ग्लाइकोसिक्स और साथ ही में टेटिनोइड दोनों को कंबाइन करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। अगर आपको टेटिनोइड का एक बूस्ट चाहिए है, बहुत ही तेजी से आपको रिजल्ट दे, स्किन स्मूथ दे, स्किन बिल्कुल ग्लोइंग कर दे, रेडिएंट कर दे, तो ये वीडियो परफेक्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस तरीके से मैं ये दो प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ अपने स्किन केयर में ताकि मेरी स्किन इस तरीके की ग्लोइंग रह सके। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो आप लोग बिना स्किप करिए देखिएगा, क्योंकि ये होगी एक इंफॉर्मेशनल वीडियो, यहाँ पे कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनमोल और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है, इंडियन यूट्यूबर अनमोल। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज और साथ ही में स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप ऐसे सच कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं टेटिनोइड वर्सेस ग्लाइकोसिक्स के बारे में, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यों मैंने टेटिनोइड के साथ ग्लाइकोसिक्स को कंबाइन करने के बारे में सोचा। अगर आप लोग मुझे जानते हो ना तो मेरी जर्नी भी आप लोग जानते होंगे, तो इन बिटवीन की जर्नी अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हुई थी, तो मैंने स्टार्ट किया था यूज करना ग्लाइकोसिक्स के साथ बिकॉज मैं अपनी डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करना चाहती थी, और साथ ही में जैसे कि उस समय मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी तो मैं टेटिनोइड यूज नहीं कर सकती थी। ग्लाइकोसिक्स सेफ होता है आप जब फीडिंग भी करते हैं, तो मैंने चूज किया था इसको यूज करना। इसने स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, स्किन बहुत स्मूथ हो गई थी, स्किन मतलब एक्सफोलिएट होनी स्टार्ट हो गई थी, ग्लोइंग भी होने लग गई थी और डार्क स्पॉट भी रिड्यूस हुए थे, टैनिंग भी कम हुई थी, क्योंकि ये ग्लाइकोसिक्स होता है कम्प्लीटली नेचुरल फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो लैब्स की तरफ से है एंड आप ये चेक करो, इट्स कम्प्लीटली मेडिकेटेड, ठीक है। सो ये मैंने जब स्टार्ट की मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। नेक पे भी मैंने स्टार्ट की थी बिकॉज नेक का डिसकलरेशन ड्यू टू प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स के कारण बहुत ज्यादा मुझे आ गया था। सो मैंने ये यूज करना तब मैंने स्टार्ट किया, रिजल्ट अच्छे मिले बट वो वाओ वाले रिजल्ट मुझे नहीं मिले थे। अब द थिंग इज उस वक्त मेरी स्किन की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स थी, पिक्चर्स यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, जस्ट चेक दिस आउट, माई डार्क सर्कल्स, द पिगमेंटेशन, द टैनिंग एंड स्किन लगी नहीं रही है यार, ये मैं हूं। और उस पॉइंट पे मैंने शीशा देखना ही बंद कर दिया था, ऐसी हालत थी मेरी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी सेकेंड प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी मुझे, जिसके कारण आई थिंक सो मेरी हालत ज्यादा खराब थी, ज्यादा मुझे इश्यूज हुए थे, तो कॉम्प्लिकेशंस के कारण और बहुत सारे स्टेरॉइड्स एंड मेडिसिंस मैं लेती थी जिसके कारण मेरी स्किन कंडीशन कुछ ऐसी हुई थी उस समय। अब द पॉइंट था डिलीवरी हो गई सब है, मुझे तो स्किन सही करनी थी। कुछ टाइम मैंने इसको यूज किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले स्टार्टिंग में, बट मुझे वापस अपनी स्किन ऐसी ही वापस करनी थी जो मेरी हमेशा से थी। सो इसके साथ जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ी रिड्यूस कर दी, नाउ आई फील ओके, माई बेबी इज ऑल्सो हेल्दी, ग्रोन अप, बड़ा हो गया है, देन आई स्टार्टेड यूजिंग टेटिनोइड 0.025%। बट स्टिल इफ यू आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, मैं आपको बोलूंगी नहीं यूज करना इसको, बट स्टिल अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो डर्मेट से एक बार कंसल्ट जरूर करना। 0.025% मैंने यूज करना स्टार्ट किया, ये और ये स्किन एक्सफोलिएट एंड स्मूथ ग्लोइंग इससे स्टार्ट हुई। इसने मेरे सेल्स को बहुत तेजी से रीजनरेट करना स्टार्ट किया, जैसे कि ये जो विटामिन ए होता है इसके अंदर, प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन ए टेटिनोइड के अंदर, जो कि आपकी स्किन के कोलाजन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन ये भी पैदा करता है, थोड़ी पीलिंग होती है, ऊपर के डेड स्किन सेल्स रिमूव होने स्टार्ट होते हैं। सो द थिंग इज जब इस दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, काफी अच्छे मुझे इनके रिजल्ट्स मिले, और मेरा जो ये जर्नी थी ना, इसका जो ट्रीटमेंट था ये स्पीड अप हो गया, 2x इसने स्पीड पकड़ ली थी, जैसे ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली हो ना, बिल्कुल वैसे ही मेरी स्किन के ट्रीटमेंट में एक स्पीड अप हो गया था।
अब द सिचुएशन देखो, मैं ये बोलूंगी कि जब मैंने इसको यूज किया कॉम्बिनेशन में भी साइड इफेक्ट जरूर हुए, ये नहीं बोलूंगी टेटनॉइड के साइड इफेक्ट नहीं हुए, डेफिनेटली हुए। जैसे कि मैं अपने स्किन केयर से उसको कंट्रोल में कर लेती हूँ, वो चीजें मैंने साथ ही में की। एक पॉइंट पर ऐसा था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया, यूज करती गई बिना दिमाग से कुछ सोचे, क्योंकि मुझे पता है यार थोड़ा सा लगता है टाइम, बट फिर भी मुझे इतना कुछ पता है, फिर भी मुझे वो हो रही थी एक अंदर से ना, वो होती ना घबराहट सी, और जल्दी जल्दी से मेरा ठीक हो जाए फेस और मैं ग्लोइंग हो जाऊँ। मैं जैसे कि कंटेंट क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, सो मुझे था कि मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरा चैनल भी इसका ही है, स्किन केयर का एंड ब्यूटी का। बहुत परेशानी हुई थी, अगर मेरी कुछ वीडियोस आप लास्ट देखोगे ना, कुछ महीनों की पहले की, 6 महीने पहले की, तो आप मेरी स्किन देखना, तब फर्क पता चल जाएगा आपको, मेरी वीडियोस से ही पता चल जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, फोटोज भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर मेरे चैनल को आप फॉलोगे ना, तो आपको पता खुद ही चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से यूज किया। अब एक पॉइंट आया था कि थोड़ा इसका प्रोसेस स्लो हुआ था और मुझे ग्लोइंग नहीं मिल रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया था एक केमिकल पील यूज करना, जो है पिलग्रिम का। वीक में एक बारी मैं उसको यूज करती थी, उस दिन मैं ये दोनों में से कुछ भी यूज नहीं करती थी, दोनों प्रोडक्ट्स को मैं रख देती थी साइड पर। पीलिंग यूज की, 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, केमिकल पील रात को यूज किया, एंड उसके बाद मैं अच्छा सा एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कर लेती थी। ज्यादातर मैं उसके 2 कॉम्बो यूज करती थी, एमोलिन का एक बैरियर लगाती थी और उसके ऊपर मैं इवियन मॉइस्चराइजर लगाती थी, मतलब डबल लेयर, क्योंकि ये एक्सफोलिएशन करता है। मेरी स्किन है ड्राई, तो उसके कारण बहुत ज्यादा मेरी स्किन में ओवर ड्राइनेस हो रही थी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में केमिकल पील एंड विद एमोलिन एंड इवियन, मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, ठीक है। सो अगर आप लोग भी ये यूज करना चाहते हो तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, एंड इस प्रोसीजर से आपकी स्किन काफी क्लियर हो सकती है, पिगमेंटेशन कम हो सकते हैं और स्किन आपकी और ज्यादा क्लियर हो सकती है, ठीक है। सो ये प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या करें मैम, क्या करें दीदी, तो ये रहा सॉल्यूशन आप सबके लिए, जो जो मुझे कमेंट पे पूछ रहे थे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बहुत प्यार दे रहे हो, वीडियोस पे बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे, और जितने ज्यादा आप लोग मुझे कमेंट करोगे ना, मुझे उतना ही मजा आता है आप लोग को रिस्पॉन्स करने में। सो डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।